हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले बेटा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या है बेटा? एक प्रिज्म इज़ अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास एनक्लोज बाई टू सर्फेसिस। अब टू प्लेन सर्फेसिस से बना हुआ एक ऐसी डिवाइसेस, या जिसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल, जिसे हम बोल सकते हैं कोई भी एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ एक डिवाइस बोल दो आप, जिसमें क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन को आप शो करेंगे, ठीक है? यानी उसके अंदर आपको रिफ्रैक्शन बताना है। उसके अंदर आपको क्या बताना होता है बेटा कि लाइट जब इंसिडेंट होती है प्रिज्म के ऊपर तो वो कितना डेविएट हुई है, ठीक है, कितनी डेविएट होके लाइट वहाँ से पास हो रही है। तो आपने देखा होगा प्रिज्म में नॉर्मली आप बताते हैं स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम में क्या होता है विबग्योर, ठीक है? अब विबग्योर विबग्योर जो बनता है वो उसमें पूरे 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रम की फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे प्रिज्म की अगर मैं बात करूँ तो प्रिज्म एक ट्रेंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है बेटा? ट्रेंगुलर शेप होती है जिसके ऊपर दो आपके पास रहेंगी रिफ्रैक्टिंग सर्फिसिज, एक होगा बेस, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली प्रिज्म की बात करता हूँ तो ये प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में ये जो सरफेस आपको दिख रही है और ये जो सरफेस है इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्लियर। और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये क्या हो गया आपके पास? बेस। और ये कंप्लीट जो सेक्शन है जैसे ए बी सी, इसे अब बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। कौन सा सेक्शन बेटा? प्रिंसिपल सेक्शन। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी प्रिज्म के अंदर, जो कि आप किसी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो इस फिजिक्स के प्रैक्टिकल में भी आपके पास प्रिज्म है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इंसिडेंस एंगल लेते हैं और डेविएशन एंगल आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेविएशन एंगल की, ठीक है। डेविएशन एंगल क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिज्म की। मैंने बात की प्रिज्म कौन सी सरफेस होती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जिसे जिसके अंदर क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, मान लीजिए कि ये जो प्रिज्म है, ठीक है, ये प्लेस्ड किया गया है किसके अंदर? एयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर, एयर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, जैसे म्यू वन इसमें कंसिडर किया 1, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना मान लिया आपने, म्यू, जिसको आपने क्या बोल दिया, म्यू टू, ठीक है। यानी म्यू टू इक्वल कितना लिख सकते हो आप, म्यू। ये चीज़ आपको याद रखनी, क्लियर। और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू, म्यू इक्वल 1, क्लियर है यहाँ चीज। तो अब यहाँ पे आपने रिफ्रैक्शन जब पढ़ा था तो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी थे, तो वहाँ पे आपने एक लॉ भी पढ़ा था। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ आप यहाँ अप्लाई करेंगे, तो स्नेल्स लॉ जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं कि साइन आई, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ साइन आई अपॉन साइन आर, इतनी सी बात जानता हूँ स्नेल्स लॉ में, ठीक है। स्नेल्स लॉ इक्वल, यानी आप इतनी सी बात जानेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल आप लिखते हैं इसे म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब म्यू टू तो है आपके पास म्यू और इसकी वैल्यू है 1, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू। इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी आ गई बेटा? फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं इस प्रिज्म के अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं लाइट का डेविएशन कैसे हो रहा है। मान लीजिए ये पी क्यू आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है बेटा? ये है आपके पास इंसिडेंट रे, क्लियर। यहाँ पे ये जो रे दिख रही है इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे,
क्लियर। अगर इंसिडेंट को रे को आगे बढ़ाने पर और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाने पर जो एंगल हमें मिलता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सरफेस ए बी की बात करूँ, सरफेस या फेस ए बी, फेस ए बी की अगर मैं बात करूँ, इस ए बी फेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो आई जो है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और इस आर वन को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फेस ए सी, अब फेस ए सी कौन सा है बेटा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी यहाँ पे दो सर्फेसेज क्या है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज है। पहली सर्फेस की मैंने बात कर ली, सेकेंड सर्फेस की मैं बात कर रहा हूँ ए सी की। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आर टू, यहाँ पे आर टू है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है चीज, ठीक है। तो दोनों सर्फेसिस के लिए मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सर्फेस के लिए यानी यहाँ पे कितने टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, टू टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले जो रे है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, फिर डेंसर टू रेयर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, जब रे रेयर टू डेंसर के अंदर जा रही है तो उसने एंगल बनाया आई, और जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो बनाया आर वन। अब इस वाली सरफेस के लिए यानी रे किसके लिए, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम हो गया, यानी एक प्रिज्म क्या है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम के अंदर, यानी यहाँ पे दोबारा क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट जो है नॉर्मल से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्लियर, ये नॉर्मल हो गए दोनों, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों नॉर्मल कट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को दे दिया आपने नाम एफ। यहाँ पे जब इस रे को आगे बढ़ा, पीछे बढ़ाने पर और इस रे को आगे बढ़ाने पर, यानी इंसिडेंट रे को तो आगे बढ़ा दो और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ा दो, तो जहाँ पे ये कट करेगी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जो एंगल ऑफ डेविएशन की अगर आप डेफिनेशन पे देते हो तो क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो होगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप लेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ए आर एफ क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा है देखो, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसके अंदर आपने ये जो एंगल है बेटा, इस एंगल को आपने नाम दे दिया थीटा। क्लियर, तो ये मैंने एंगल को नाम दे दिया थीटा। ये जो एंगल बन रहा है बेटा वो बन रहा है 90, ये एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90, इस एंगल को आपने नाम दे रखा है ए, यानी ए क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एफ। ये क्या है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्लियर, यानी ए क्यू एफ आर, आगे बात समझ। तो यहाँ पे देखो ये 90 क्यों बना रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा ये जो सरफेस दिख रही है आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी ये भी फेस जो दिख रहा है, इसके ऊपर ये क्या लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट के बीच में एंगल कितना होगा, मतलब ये लाइन और ये जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। तो 90 90, यानी क्वाड्रिलेटरल के जितने एंगल हैं उन सब का सम हमेशा कितना रहता है, 360, यानी एंगल ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल 360। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए प्लस थीटा इक्वल 180। इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास कौन सी बेटा, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के बाद यहाँ पे बात करेंगे आप कि ये जो वैल्यू है आपके पास a प्लस थीटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया a प्लस थीटा इक्वल 180। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंडली अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा
यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा, हम ट्रायंगल लेते हैं क्यू ई आर, ठीक है। तो यहाँ मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल क्यू, ये रहा बेटा क्यू आर ई, क्यू आर ई। अब ये क्यू आर ई जो ट्रायंगल है, इस क्यू आर ई ट्रायंगल में ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम, यानी ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया आपके पास, ये एंगल हो गया आपके पास, मान लीजिए इसे डेल वन बोला, इसे बोल दिया आपने डेल टू, और ये हो गया आपके पास डेल, ये हो गया आपके पास क्यू आर, और ये पॉइंट हो गया ई। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। तो ये जो एंगल्स हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, देखो बेटा, जो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर इंटीरियर एंगल, इन इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल से कि डेल इक्वल डेल वन प्लस डेल टू, इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपके पास थर्ड, क्लियर। अब यहाँ पे सीधी सी यहाँ पे बात करते हैं, ये जो एंगल है आई एंगल, इस लाइन में और इस लाइन के बीच में देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो आप क्या लिख सकते हो कि डेल वन इक्वल आई माइनस आर वन और डेल टू इक्वल ई माइनस आर टू। ये कहाँ से आया डेल वन, ये रहा डेल वन और ये रहा डेल टू। अब देखो बेटा, ये कंप्लीट जो है और ये जो कंप्लीट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों इक्वल है। तो आप क्या, जब डेल टू निकालोगे तो क्या लिखोगे, ई माइनस आर टू, और जब आप निकालोगे डेल वन तो आई माइनस आर वन, क्लियर। तो ये चीज़ लिख ली। अब ये दोनों वैल्यूज आप कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड जो दिख रही है आपको, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू डेल इक्वल आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो ये आ गया आपके पास आई प्लस ई माइनस कॉमन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो यहाँ से डेल आ गई वैल्यू, ये इक्वेशन आप दे देंगे बेटा इसे फोर्थ इक्वेशन, क्लियर। अब आपने जो वैल्यू रख रखी है बेटा, देखो आर वन प्लस आर टू, ये का इक्वेशन फोर्थ। अब आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल और लेना है, ये ट्रायंगल लो। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, यहाँ पे इन ट्रायंगल क्यू एफ आर, क्यू एफ आर। अब क्यू एफ आर में वही तीनों जो एंगल हैं किसी ट्रायंगल के, तीनों जो एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होंगे, यानी आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और यानी ये देखो आर वन इक्वल प्लस थीटा इक्वल कितना लिखेंगे आप इसे, 180। देखो बेटा ये ट्रायंगल क्यू आर एफ, आर वन आर टू और ये थीटा, इन सब का सम कितना, 180। तो आपके पास आ जाएगी बेटा थीटा की वैल्यू, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। इक्वेशन आ गई आपके पास फिफ्थ। अब बेटा डायग्राम का जो काम था वो हो चुका, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, कि कितना एंगल डेविएट होगी लाइट, ठीक है। तो डेरिवेशन में अब देखेंगे आप, ये थीटा की वैल्यू जो आई है आपके पास, ये थीटा की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस 180 माइनस आर वन प्लस आर टू इक्वल कितना है बेटा, 180, 180 से 180 गया तो ए इक्वल आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। इक्वेशन आ गई आपके पास सिक्स्थ। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये आपके पास आ गया ए, इक्वेशन सिक्स्थ एंड फोर्थ। अब ये जो आर वन और आर टू की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे आप, ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे तो डेल इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आई प्लस ई माइनस ए, तो ये आ गया आपके पास डेल, डेविएशन एंगल, क्लियर। तो ये हमने सब कुछ किया किसके लिए, डेविएशन एंगल के लिए किया, किसके लिए किया है हमने, डेविएशन एंगल के लिए। अब आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि जो डेल है, एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, वो इक्वल है किसके बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस
प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? यानी एंगल ऑफ डेविएशन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है हमारे पास वो वैल्यू आई गई हमारे पास e की वैल्यू, और ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? अब यहाँ पे आप बात करेंगे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। तो हमने जो वैल्यू रखनी है वो रखने यहाँ पे रखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है वो लिख लीजिए यहाँ पे। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू, इक्वेशन ये है फर्स्ट। एक इक्वेशन ये काम आने वाली है आपके पास, सेकंड इक्वेशन ये इक्वेशन हो गई सेवन्थ, ठीक है, और एक इक्वेशन ये सिक्स्थ। एक इक्वेशन है ए इक्वल आर वन प्लस आर टू, ये सिक्स्थ इक्वेशन काम आएगी आपके पास। डेल इक्वल आई प्लस ई माइनस ए, ये सेवन्थ इक्वेशन। बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको निकालना है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर आपने ले लिया डेल, इधर ले लिया आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ यहाँ पे ले लिया आपने एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर ले लिया, ये जीरो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि पहले तो वो मैक्सिमम रहता है, फिर इस कंडीशन पे आके वो मिनिमम हो जाता, मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ जाती है, तो फिर वापस ये क्या करता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई डेल एम, ये हो गया आपके पास आई। ठीक है, आई जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ई के। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है कि आर वन इक्वल आर टू इक्वल हो जाए बेटा आर के, और आई इक्वल हो जाए ई के, और डेल एम जो है वो हो जाए बेटा डेल के। क्लियर? ये सब कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको। नाउ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी बेटा, सिक्स एंड सेवन्थ से, दोनों से। देखो बेटा ए इक्वल आ जाएगा आपके पास आर प्लस आर, क्यों, क्योंकि आपने ये कंडीशन ली है। ठीक है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, आर इक्वल ए बाई टू। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास आर की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे डेल एम इक्वल आई प्लस आई माइनस ए, तो ये आ जाएगा टू आई इक्वल डेल एम प्लस ए, यानी आई इक्वल आ गया आपके पास डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो आपके पास आई की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, ये आर की वैल्यू और ये तो आ गई आर की वैल्यू यहाँ से, और आई की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू इक्वल, यानी यह आपके पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया साइन आई की वैल्यू है बेटा डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू, यह आ गया आपके पास म्यू। क्लियर? ये आपके पास किसकी कंडीशन है, क्या आ गया आपके पास म्यू। अब मिनिमम डेविएशन आपके पास आ गई, अब अगर आपके पास एंगल कितना हो, बहुत छोटा हो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इफ एंगल इज स्मॉल, तो आपके पास आ जाएगा बेटा कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा थीटा के, अगर ये कंडीशन हो गई, देन म्यू इक्वल डेल एम अपॉन ए बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू, टू से देखो बेटा ये है पूरे का डिवाइड बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल आ जाएगा डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई ए, ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा म्यू ए इक्वल डेल एम प्लस ए, तो यहाँ से डेल एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, ए म्यू माइनस वन, ये आ गया मिनिमम डेविएशन, मिनिमम
डेविएशन एंगल। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, इसी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स की, किसके, प्रिज्म के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें डेविएशन भी फाइंड आउट करवाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।